बेटा सामान लेके आ बेटा चलो मैडम सब सामान चेक कर लो और बिल देख लो बाद में अपन के नाम पे बिल मत पड़ना खुशखबर क्या बताओ यार खुशखबरी ये है कि पप्पू पंचर को इस घर में नौकर रख लेने की वजह से इस घर का स्टेटस 5 गुना बढ़ चुका है पप्पू को इस घर में नौकर रख लेने से इस घर का स्टेटस 5 गुना कैसे बढ़ सकता है यार अरे भाई जो नौकर 250 रुपए का सामान खरीदने के लिए 80 रुपया टैक्सी पर खर्च करता है और 70 रुपए का बर्गर खाता है उस घर का स्टेटस बढ़ा हुआ ही माना जाएगा क्या वो अपन क्या करेगा साहब अभी तो ये पप्पू कुछ पैसे बचे है हाँ बचे लेना अपन कौन सा तुम्हारा पैसा खा के भाग रहे अरे नमक लाल अपन तुमने 500 रुपए दिए तो उसमें से 100 रुपया बचे ला देखो पप्पू हाँ बोलो ना क्या है ये सिगरेट किरण कूल डाउन किरण क्यों ये सिगरेट तुमने मंगाई है नहीं किरण मैं तो तुम्हें प्रॉमिस कर चुका हूँ यार यकीन मानो किरण सिगरेट का और मेरा रिश्ता देखो महीनों हो गए महीनों से हमने एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखी है इसका ये मतलब है ये सिगरेट करेक्ट समझ रही तुम्हें मालूम है ना इस घर में सिगरेट का नाम लेना भी हराम है साहब मेरा यकीन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं पप्पू है ओके ओके चलो अपन जितना भी सफाई देंगे ना तो तुम लोग अपन का बात पे यकीन नहीं करेगा इसलिए अपन अपना जुर्म कबूल करते हैं फैसला हो चुका है मुजरिम पप्पू पंचर है दैट्स ऑल योर ऑनर शांत भाई बेवकूफ कहीं का मेरे घर में सिगरेट लाता है जानता नहीं सिगरेट किरण श्रीवास्तव की सौत है चीको चीको लता इसका नाना अभी तक नहीं हुआ चीको चीको क्या है मम्मी दुबला हो जाएगा स्कूल नहीं जाना है मम्मी से 10 मिनट बंद कर राइट है राइट लेग और सर दुख गया और मैं अपनी पीठ लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट लेग दूंगा ठीक है जो भी करना है जल्दी कर जान रहा लगता है ये लड़का पिछले जन्म में किसी बैंक में लोन मैनेजर रहा होगा तभी तो इंस्टॉलमेंट में लाता है यही नरेंद्र की ये आदत उसने बराबर उठा लिया है शी गंदे कपड़ों का ढेर सिगरेट चीकू के कपड़ों में से सिगरेट हे भगवान अब मैं क्या करूं मेरा बेटा सिगरेट पीता है इतनी महंगी वाली तुम्हारे बच्चे लोगों को मैं अपने बच्चे जैसा पालती है तो मैं क्या भूखा
अरे शांता भाई सुन ना, बेवकूफ, इस सर्वन को सीलिंग फैन से उल्टा लटका कर नीचे से मिर्ची का धुआं देना चाहिए। मेरी बात नहीं सुनती है। ओफो, ये मसाले के बॉटल भी यहीं पड़े। शांता भाई भी सीक्रेट, मैं तो टोटल बर्बाद हो गई। अरे हाँ, इस संकट का सलूशन वही है। इस संकट को मैं कहाँ लेकर जा रही हूँ? हाय मेरे तीन बच्चे। क्या कहा? किरण, तेरे बच्चों ने सिगरेट पीनी शुरू कर दी है? हाँ कविता। मुझे मालूम था एक न एक दिन ये दिन जरूर आएगा। जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। तुझे किस बात का डर था? अरे इसी बात का डर था जो तूने इतनी आजादी दे रखी ना अपनी आवारा औलादों को, उसका फायदा उठाकर एक दिन ड्रग माफिया तेरे घर में जरूर घुस के आएगा। ड्रग माफिया? नहीं कविता, मेरे बच्चे तो सिर्फ सिगरेट पीते हैं। अरे नादान, सिगरेट ही तो नशे की शुरुआत होती है। पहले सिगरेट, फिर चरस, फिर गांजा, फिर स्मैक, फिर ब्राउन शुगर। बस कर कविता, बस कर, मेरा दिल बैठा जा रहा है। दिल को बैठे रहने दे और अपने दिमाग को खड़ा कर, बच्चों पे नजर रख। अच्छा गुंडे का आना जाना तो नहीं है? नहीं। पप्पू पंचर, लेकिन शांता बाई के साथ शादी करने के बाद वो बहुत सुधर गया है। शादी करने के बाद भी कोई सुधरता है क्या किरण? अब हमारी शर्मा जी को देख लो, हमारी शादी को इतने साल हो गए लेकिन आज भी दूसरे की बीवी को देखकर लाल टपकाना भूले। पप्पू पंचर ऐसा आदमी नहीं है। तुझे वो गाना याद नहीं? दिल को देखो चेहरा ना देखो। तो माफ करना, जय बह गई थी, इसलिए कहती हूँ अपने बच्चों पे नजर रख और पप्पू पंचर पे भी। मुझे बताना कहीं कुछ सस्पिशियस तो नहीं हो रहा? ठीक है कविता, जाती है किरण, और अंडरवर्ल्ड की लैंग्वेज में उसी को माल कहते हैं। मेरा शक सही निकला, तू बर्बाद हो गई किरण, तेरे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो गए। बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कविता। मुझ पर भरोसा मत कर किरण, खुद ही चेक कर लेना। आज शाम को जब पंचर बच्चों को कुल्हे देना चाहे, किसी तरह पुड़िया खोल लेना। अगर उसमें बारीक सफेद पाउडर है तो वो ड्रग है, ड्रग के सिवा कुछ नहीं है। कहां गई यार, कहां चली गई मेरी फाइल? सुबह तो यहीं रखी थी। किरण, जरूर किरण ने किया, उठा के रख दिया होगा अपने कबर्ड में। क्यों हाथ लगाती है यार मेरे कबर्ड को? ये किरण के कबर्ड में सिगरेट के पैकेट, इसका मतलब मेरी बीवी मुझसे छुपाकर सिगरेट पी रही है।
ना, मैं क्यों मदद करूं अपनी मासूम बीवी को बिगड़ने में? मेरे कबाड़ में शाम को आकर तुझसे बात करूंगा नशेड़ी हो रहा है। इलाज को एक बार इस बीमारी की लत पड़ जाए ना, फिर कभी नहीं छूटती थी। नशीली बीवी, ची 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 ची। ये तो क्या कह रही है कविता? मैं सच कह रही हूँ किरण, ड्रग्स की लत किसी इलाज से नहीं छूटती है। नशे का जहर तो बच्चों और नरेंद्र की रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। लेकिन नरेंद्र तो सिर्फ सिगरेट नहीं, वो ड्रग्स भी पीता है, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा ये बता, नरेंद्र परेशान और चिड़चिड़ा रहता है कि नहीं? परेशान और चिड़चिड़ा रहता है? चिड़चिड़ा परेशानी इस लड़के का पहला सिस्टम है। अच्छा ये बता नरेंद्र, किरण तुझसे बहकी-बहकी बातें करती? शर्मा, किरण तो हमेशा से बहकी-बहकी बातें करती है यार। इसका मतलब कि वो शुरू से ड्रग लेती है? क्या कह रहा है शर्मा? मतलब किरण मुझे इतने सालों से धोखा देती रही, और कोई चारा नहीं है किरण, मेरी बात मान, उस नर्क से निकल जा। मुझे कायरता मत सिखा कविता, मैं पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों को और नरेंद्र को सुधारना चाहती हूँ। तो एक काम कर, मुझे घर छोड़ने की धमकी दे दे। ऐसी नाकारा और नशेबाज बीवी को छोड़ दूंगा। वाह वाह नरेंद्र वाह, ये हुआ ना मर्दों वाला डिसीजन। कल सुबह आके तू मेरे पास तलाक के पेपर ले जा, मैं वकील को बुला के रखूंगा। आऊंगा सुबह, मैं जरूर आऊंगा। किरण को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए मैं जरूर आऊंगा। नशेड़ी बीवी, शांत भाई, शांत भाई, वर्मिन साहब जाकर बच्चों को बुलाकर ला। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। वर्मिन इंसान, जो बोला वही कर, जाओ ऊपर। जाती है
चली गया? हाँ हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। अच्छा हुआ जो तुम्हें पता चल गया कि मुझे पता चल गया, ना तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकालना पड़ता। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, अब तो माफी की भी कोई गुंजाइश नहीं रही। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने गंदे आदमी हो तुम, अपनी गलती का पछतावा तक नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, बेशर्म औरत। मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? मैंने कौन सा पाप किया है? अपने पति से छुपाकर सिगरेट पीना, नशा करना, शर्म आने लायक काम नहीं तो और क्या है? नशेड़ी औरत। नशा मैं करती हूँ या तुम करते हो? डर की बातें मत करो, मैंने खुद तुम्हारे कबर्ड में से सिगरेटें बरामद की है। ठीक है, मैंने भी खुद तुम्हारे कबर्ड में से सिगरेटें बरामद की है। वही सिगरेटें थी जो मैंने तुम्हारे कबर्ड में से निकाली थी। I can't believe it. You have to my darling. कितने सालों बाद। Anyway, ये टाइम इस सबका नहीं है। वो सिगरेटें तुम्हारी थी, तुम्हारे। मेरी नाक, तुम्हारी चरणों की कसम, वो सिगरेटें मेरी नहीं थी। वो सिगरेटें रिंकी, टिंकी, चीकू और शांता बाई के पास से मिली थी। सिर्फ मम्मी नहीं, मैं भी तुम सबको छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों पापा? क्यों? तुम्हें बताओ। क्यों? हाँ, क्योंकि तुम सब बर्बाद हो गए हो। इस लायक नहीं रहे कि हम तुम्हारे साथ एक पल भी गुजार सके। हमने ऐसा क्या किया मामा? पूछते हो क्या किया है? अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में नालायक हो। क्या है तुम लोगों पर? अरे हम तुम पर भरोसा करते रहे और तुम हमारे भरोसे के बदले छुप छुप कर सिगरेट फूंकते रहे। पापा सिगरेट हम लोग नहीं पीते। झूठ बोलने की कोशिश मत करा। मैंने खुद तुम्हारे रिंकी डिंकी और शांता बाई के सामान से सिगरेटें निकाली है और मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें पप्पू पंचर से कशी की मुर्गियाई करके देखा है। पर मेम साहब वो सिगरेट तो। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखना शांता बाई। मेरे बच्चों को बिगाड़ने के लिए तुम और पप्पू पंचर दोनों जिम्मेदार हो। दोनों ने मिलकर बिगाड़ा इन तीनों। वो स्टोरी का क्या मैं आगे लाए गांजी की गली? झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, तू हकीकत टपका। अरे मेरे आमिर खान, अब तुझे सच्ची स्टोरी बोलनी पड़ेगी। मेम साहब एक्चुअली में जो सिगरेट तुमको हम लोग के पास से मिला ना, वो किसी और का नहीं है, सांप का ही चप्पू था। क्या? मेरी सिगरेट? पापा अब नाटक बंद करिए, आपकी पोल खुल चुकी है। मामा शांता बाई बिल्कुल सच कह रही है, पापा ने आपसे प्रॉमिस करने के बावजूद सिगरेट पी। पापा आपसे छुपा कर सिगरेट पी गए ना, इसलिए हम सब ने मिलकर प्लान बनाया कि मौका मिलते ही आपके सिगरेट छुपा कर रख दे ताकि पापा कम से कम सिगरेट पिया करें और वही सिगरेट आपको हमारे पास से मिले। तभी तुम चाय इतनी गंदी क्यों लग रही है? मैं सबके सामने भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं सिगरेट पीना बंद करता हूँ। अरे यार बिजली कड़क रही है, समझा करो। फिर भी यकीन नहीं होता हो तो मैं तुम सबके सामने ये पुड़िया अभी से खाना शुरू कर देता हूँ। ओके यार, ये तो नमक जैसा लग रहा है। अरे ये नमक जैसा लगता है, हकीकत मुझे ही टपकाना पड़ेगा। देखिए साहब, ये जो सिगरेट होता है ना, इसको छोड़ने के लिए विल पावर चाहिए, इसे दवा दारू नहीं लगता। और आप लोगों को कहानी में ट्विस्ट दिखाओ, मैं ना नमक की पूड़ियां बना के सांप को चिपकाता था, वो चोरन समझ के काटते थे दे ताले। साले तेरी 420 की तो।